वेलकम टू क्लास सेवन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर टू इन साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर फर्स्ट में हमने देख लिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नाउ सेकेंड चैप्टर है जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हमें देखना है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स मोड ऑफ इंटैक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इस चैप्टर में हमें एनिमल के न्यूट्रिशन के अलावा उसके साथ साथ उसके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है मोड ऑफ़ इंटेक् ऑफ़ फ़ूड फूड का इंटेक कौन सा मोड से वो अपना फूड के इंटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है उनकी बॉडी में उसके बारे में हमें देखना है एग्जैक्टली exactly हमें देखना ये है कि वो जब भी अपना फूड इंटेक करते हैं तो उसका जो डाइजेशन होता है उनकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है कौन से मोड से होता है उसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सच एस कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन अभी यहाँ पर हमें डाइजेशन की डेफिनेशन दी है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंटू अ सिंपलर सब्सटेंस ज कॉल्ड डाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेस हमें बताइए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और वो किस में कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस में ये क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है उसको ब्रेक वो हमारे जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है देन उसके बाद उसका डाइजेशन होता है तो पहले आप देख सकते हो कि पहले क्या था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं वो फिर वो ब्रेकडाउन हो रहा है देखो सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेकडाउन हो रहा है यानी कि वो डाइजेशन में उसका ब्रेकडाउन डाउन होके वो डाइजेस्ट हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे डाइजेशन ना हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड अभी ये जो टेकिंग फूड है मतलब जो फूड है उसको लेने के डिफरेंट वे है द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बीज एंड हमिंग बर्ड शक द नेक्टर ऑफ प्लांट इनफ्रेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क स्नैक्स लाइक द पाइथॉन्स वैलो द एनिमल दे पे अपॉन सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लॉटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम अलग अलग एनिमल जो है उनका फूड इंटेक् जो होता है वो अलग अलग होता है जैसे हनी बीज होती है वो क्या करते हैं कि जो नेक्टर है वो फ्लावर्स में से कलेक्ट करते हैं तो वहाँ से उनको फूड मिलता है ह्यूमन है तो ह्यूमन कहाँ से लेते हैं कि मैनी अदर एनिमल्स है उनका क्या होता है जो मदर्स का मिल्क होता है वो फीड करते हैं तो ऐसे अलग अलग एनिमल है जैसे एक्वाटिक एनिमल है तो वो फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं तो जो नियर बाय एंड फीड अपॉन देम मतलब कि जो पानी के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं खाने की चीज़ होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको इंटैक्ट करता है तो ये अलग अलग वे है अलग अलग एनिमल्स है उनको फूड इंटेक का अभी हम सेकेंड देखते हैं अभी यहाँ पे देख सकते हो स्टार फिश दिखाई हमें स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट टू शमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड अभी क्या होता है उसके जो शेल होते हैं स्टारफिश के वो ओपन होते हैं देन वहाँ पे वो फूड होता है वो अपने स्टमक के उसके स्टमक में जाता है देन वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होता है अभी हमने ये तो एनिमल की बात कर ली सेकेंड टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन्स आपने कभी सोचा है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डाइजेशन कैसे होता होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो अपने मुंह से खाते हैं देन वो कहाँ पे जाता है कैसे डाइजेस्ट होता है तो उसकी एक पूरी प्रोसेस है जो हमें यहाँ पे देखनी है आप यहाँ पे देख सकते हो डार्क कलर का जो लिखा हुआ है पॉइंट्स है वो पॉइंट्स द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट जो फूड है उसका एक कैनल कैनल का मीनिंग क्या होता है कि उसकी एक पाथ बना हुआ है रास्ता होता है कि यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसे वो जाता है तो उसमें क्या है फर्स्ट है बकल कैविटी बकल कैविटी मतलब मुंह जो मुंह से हम खाते हैं वो उस आ, उसके बाद है फूड पाइप फूड पाइप का और एक भी नाम है ऑसियोफेगस उसके बाद एक स्टमक उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस तो मेनली वो सिक्स पार्ट है जिसमें से वो खाना जाता है वो डाइजेशन होता है दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल और ये सारे जो पार्ट है वो साथ में मिलके क्या बनाते हैं एलिमेंट्री कैनल उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं तो अभी आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो देखो फर्स्ट क्या है बकल कैविटी उसके बाद uh, है सैलि ग्लैंड है ऑसियोफेगस है लीवर गैल ब्लेडर स्टमक पैंक्रिस स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस अभी इसमें दो तीन वर्ड नए आए हैं उसके बारे में देखना है द फूड कम्पोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैट सच एज सेलिवरी ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पेनिक्रीज पेनक्रीज सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू अ सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है कि जब भी हम जो हमारा फूड होता है उसको हम चबाते हैं अपने दांतों से तो उससे जो सेलिवरी ग्लैंड होती है वो एक ज्यूस जो हम बोलते हैं वो क्रिएट होता है तो वो ज्यूस क्या करता है हमारे जो भी खाना है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है नाउ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएट ग्लैंड टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सारे जो ट्रैक है जो ग्लैंड हमने देखे वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं नव लेट इस नो वॉट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक अभी ये सारे पॉइंट है उसको हम डिटेल में देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या था द माउथ एंड बकल कैिटी जो हम हमारा माउथ होता है उसके बारे में देखते हैं फूड इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेक्शन अभी जो हमारी प्रोसेस होती है फूड को इंटेक्ट करने की कि मुँह से हम खाते हैं उसको चबाते हैं देन वो हमारी बॉडी में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंजेक्शन बोलते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन mechanically into स्मॉल पीसेस हम जो खाना होता है उसको हम हमारे टीथ से च्यू च्यू मतलब चबाते हैं और वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है इच टूथ इज़ रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द जम्पस और टीथ वेरी इन अपीरियंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम आपको पता है कि जो हमारे टीथ है उसको भी हमने अलग अलग नेम दे रखे हैं कि अलग अलग टाइप के हमारे टीथ होते हैं आप देख सकते हो कि आगे के जो टीथ होते हैं देन पीछे के टीथ वो सारे डिफरेंट होते हैं नाउ लेट सी दिक्चर ऑफ टीथ आप देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फर्स्ट जो पीछे के दो होते हैं टीथ उसको हम क्या बोलते हैं मोलर उसके बाद आगे के जो दो होते हैं उसको बोलते हैं प्री मोलर उसके बाद केनाइन एंड देन इंसीसर ये सारे जो टीथ है वो अलग अलग काम करते हैं आप देख सकते हो कि आपको पता होगा कि आप सोचो कि हम जब खाना खाते हैं आप सिंपली आपको आगे के दांत हो तो क्या आप उसको अच्छे से चबा सकते हो नो no. हमें कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको चबाने के लिए पीछे के जो मोलर एंड प्री मोलर जो टीथ है उसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बिना हम खाने को अच्छे से चबा नहीं सकते देन आगे के जो होते हैं कैनाइन एंड इंसीसर वो क्या करते हैं वो हमारे माउथ जो होता है हमारा फेस उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं उसके बिना हमारा फेस क्या हो जाएगा उसको एक बोलते हैं ना कि प्रोटेक्शन देते हैं उसको सपोर्ट करते हैं हमारे फेस को स्ट्रक्चर देते हैं कटिंग एंड बीटिंग टीथ पीर्सिंग एंड टीरिंग टीथ च्यूइंग एंड ग्रीनिंग टीथ इसको हम तीन टाइप में देख सकते हैं कि जो चबाने वाले दांत अलग होते हैं कटिंग करने वाले दांत जो अलग होते हैं तो ये तीन टाइप है उसके नाउ अवर माउथ हैज़ द सेलेवरिक ग्लैंड विथ सिक्रेट सलाइवा हमारे माउथ के अंदर सेलेवरिक ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है वो क्या प्रोड्यूस करता है सलाइवा Uh, जिसको हम बोलते हैं ना कि जब हमारे आप कोई भी चीज़ देखते हो तो खाने की चीज़ तो उसमें क्या होता है आपके मुंह में पानी आ जाते तो वो क्या होता है वो एक सलाइवा होता है कि वो सलाइवा सीक्रेट होता है कि हमारे माउथ में सलाइवरा ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड वो ये सलाइवा सीक्रेट करती है अभी इसके लिए हमें एक्टिविटी दे रखी है टेक टू टेस्ट ट्यूब लेबल देम एंड बी इन टेस्ट ट्यूब ए द वन टेबल स्पून ऑफ बॉयल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी कीप वन टी स्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर थ्री टू फाइव टाइम्स मिनिट सॉरी एट थ्री फोर मिली ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब अभी क्या करना है इसके अंदर कि एक जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर नॉर्मली आप जो चावल पकाते हो उसको ले लो और उसको डाल दो सेकेंड जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमें क्या करना है कि बॉइल्ड राइस है उसको आप पहले अपने मुंह में चबाओ फाइव फाइव मिनट्स तक थ्री टू फाइव मिनट्स चबाओ देन उसको लेके आप वो टेस्ट ट्यूब में डालो देन उसके बाद उसके अंदर हमें टू और थ्री ड्रॉप ऑफ़ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है तो क्या होगा उसमें कोई कलर चेंजेस होगा इससे ही हमें यह पता चलता है कि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर चेंज हो जाएगा कलर ताकि उसके अंदर क्या है कि हमने उसको चबा के च्यू करके उसके अंदर डाला है राइस तो इसके अंदर सलाइवा है जो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया है तो उसको ब्रेक्स डाउन करते तब वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर स्टार्च है इसलिए उसका कलर चेंज हो गया उसका कलर ब्लू या फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे माउथ में सलाइवा सेक्रेट होता है द टंग इज़ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गैन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी जो टंग है वो क्या है मस्क्यूलर ऑर्गैन है उसके अंदर कोई भी जो हड्डी है वो नहीं होती है वो मस्क्यूलर ऑर्गैन है और वो क्या होती है बकल कैविटी होती है उसके बीच में होता है उसके फ्लोर जो हम बोलते हैं वहाँ पे होते हैं इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन वो क्या होता है बिल्कुल फ्री होती है टंग वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है डू यू नो द फंक्शन ऑफ़ द टंग क्या आपको पता है इसका फंक्शन क्या है मतलब वो काम क्या करती है तो वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड इट मेक सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चोइिंग एंड हेल्प इन फैलोइंग फूड वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग एक तो हमारे बोलने में काम करता है देन वो जो हम खाना चबाते हैं उसके लिए हेल्प करती है देन जो टेस्ट होता है फूड का तो उसको जानने के लिए हमारी टंग हेल्प करती है इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ़ फूड इसमें भी अलग अलग टाइप है कि जो हमारी टंग है उसके अलग अलग पार्ट है जहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पता चलते हैं वी कैन फाइंड आउट द पॉजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी अब यहाँ पर देखो अमे रीजियंस ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट टंग दिखाई दे रही है आपको उसमें अलग अलग रीजियन है जो पीछे के दो रीजन अलग है देन बीच का दो एंड देन आगे का दो तो ये अलग अलग रीजन है वो अलग अलग टेस्ट है वो हमें पता चलता है उससे प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ सुगर सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड लेमन जूस जूस ऑफ क्रश नीम लीफ और बीटर गार्ड अभी क्या करना है कि हमें अलग अलग टाइप जो फूड है वो लेने जैसे कि सूगर मतलब जो मीठा होता है वो ले लो देन जो सॉल्ट uh, सॉल्यूशन ले लो उसके बाद है लेमन जूस और उसके बाद है जो खट्टा जो कड़वा होता है बीटर टेस्ट का होता है बीटर गाड़ होता है या करेला ले लो या फिर नीम के पत्ते उसका जूस ले लो ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेस्ट आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन आपको क्या करना है कोई भी आपका दोस्त है उसका आँखें बंद कर दो उसको टंग में अलग अलग उसको बोलो कि ऐसे स्ट्रेट खड़ा रहे वहाँ पे and then use clean toothpick to put the above samples one of one by one different areas of the tongue अभी क्या करना है toothpick होती है उससे उसके अलग अलग जो पार्ट है आपको दिख रहा है ये पिक्चर में वहाँ पे अलग अलग जो सॉल्यूशन लिया है वो आपको टेस्ट करवाना है the द which विच एरियाज ऑफ द could डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी sour एंड bitter कौन से कौन से एरिया पे उसको खट्टा टेस्ट आया है कौन से एरिया पे उसको जो बीटर टेस्ट होता है वो आया है या फिर कौन से एरिया पे उसको जो स्वीट टेस्ट है वो आया है तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी टंग है वो अलग अलग टेस्ट वहाँ पे हमें पता चलते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो बकल कैविटी वो कम्प्लीट होता है नाउ सेकेंड है फूड पाइप ऑसीोफेगस हमने ये तो देख लिया कि हम खाना जो खाते हैं वो वहाँ जो हमारी टीथ है उसे चबाते हैं देन वो अंदर जाता है तो अंदर जाके जाता कहाँ पे तो आप ये पिक्चर देख सकते हो द स्वेलोड फूड पासिस इन टू फूड पाइप और ऑसियोफेगस लुक एट फिगर टू पॉइंट टू ये फिगर देखो आप द फूड पाइप रन अलॉन्ग द नेक अभी ये जो नेक है नेक के बाद जो फूड पाइप आती है तो वहाँ से लेके हमारे स्टमक तक है पहले देखो आप इसमें देख सकते हो कि फूड दिखाया है जो पाइप है वहाँ पे फूड है देन एलिमेंट्री कैनल है ये और ये हमारा स्टमक है तो वहाँ से लेके हमारे स्टमक तक ये फूड जाता है तो आपने ये पाइप देख ली ये इसको हम क्या बोलते हैं ऑसियोफेगस बोलते हैं ये हमारी फूड पाइप है एंड द चेस्ट फूड इज़ पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप एक्चुअली दिस मूमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश इज द फूड डाउनवर्ड एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो क्या करते हैं हमारे फूड को पुश करती है डाउनवर्ड मतलब हमारे स्टमक की ओर वो पुश करती है एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट कभी कभी होता है ना कि हमारे स्टमक होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और आपको वॉमिट हो जाता है मतलब वो बाहर आ जाता है रिकॉल द इंस्टेंस वैन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड द थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर क्या होता है कि जो ये वॉमिटेड होता है तो कब ये होता है आफ्टर ईटिंग इसके बारे में आप सोचो और उससे उसके लिए आप डिस्कस करो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर के साथ नाउ हमारा थर्ड टॉपिक है द स्टमक अभी खाना हमने खा लिया है देन फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में आ गया है स्टमक में क्या होता है वो देखते हैं स्टमक इज़ द थिक वॉल बैग स्टमक क्या होता है एक थिक वॉल मतलब एक जो मोटी सी दीवार होती है ऐसा एक बैग है इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैट इन यू इसका शेप होता है यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल और वो वाइडेस्ट मतलब थोड़ा सा बड़ा पार्ट है इट रिसीव्ड फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड वो क्या करता है हमारे फूड को रिसीव करता है कहाँ से आता है वो फूड एलिमेंट्री कैनल से आता है वो फूड को रिसीव करता है एट ओपन्स इंटू स्मॉल इंटस्टाइन एट द अदर एंड वो क्या करता है कि वहाँ से लेके स्मॉल इंटस्टाइन तक वो वहाँ से पास करता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट मस्क्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है डाइजेस्टिव जूस है वो वहाँ पे सेक्रेट होता है द मस्क्यू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दर एंटर अलॉन्ग विद द फूड ये क्या करता है जो मस्क्यू बोलते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है देन एसिड है वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है हम खाना खाते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया आता है उसको वो किल करता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू सिंपलर सब्सटेंस जो डाइज जो मैंने पहले भी बताया कि डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करता है हमारे जो फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स होता है पहले उसके बाद वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है प्रोटीन होता है उसको भी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है नाउ हमारे स्टमक में तो वो आ गया है फूड उसके बाद कहाँ पे आएगा हमारा फोर्थ टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाता है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉल्ड एंड अबाउट सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी है सेवन पॉइंट फाइव मीटर लॉन्ग इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर and the pancreas beside its wall also secret juice the liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side it is the largest gland in the body abhi dekho ye kya hai jo small intestine hai wo liver se leke pancreas tak hota hai aur वो क्या होता है जो liver होता है वो reddish brown gland का होता है reddish brown color का होता है और जो राइट right साइड पे वो होता है हमारे एपडोमन के राइट right साइड पे इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और ये क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में इट सेक्रेट बाइल जूस वो क्या करता है बाइल जूस को सेक्रेट करता है दैट इज़ स्टोर्ड इन द सेक कॉल्ड गैल ब्लैडर और वो जहाँ पे स्टोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं गैल ब्लैडर द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स जो बाइल जूस है वो क्या करता है हमारे हमने जो भी खाना खाया है जो फैट लिया है खाने में हमने तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है द पैनक्रीज इज़ द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक द पैनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज दैम इन टू सिंपलर फॉर्म आपने देखा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि लीवर है और पैनक्रीज है तो लीवर का तो देख लिया कि वो बाइल जूस है वो सेक्रेट करता है और वो जो हमारे फैट हमने जो खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पेनक्रिस जो होता है वो क्या करता है कि आ, वो भी एक जूस है उसको आ, सेक्रेट करता है और वो जूस क्या करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेर द इंटस्टिनल जूस कम्प्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इंटू सिम्पल सुगर सच एज ग्लूकोज अभी यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो जो खाना खाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्ट हो गया है मतलब उसका जो स्मॉल हम बोलते हैं कि सिंपलर सब्सटेंस हो गया है जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाया था उसके छोटे छोटे पार्ट तो हो गए हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने जो लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है तो वो सिंपल सुगर मतलब कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फ़ैट इंटू फैटी एसिड अब ये जो मेन है वो एग्ज़ाम में आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट होता है तो वो सिंपल सुगर में कन्वर्ट होता है और वो क्या बनता है ग्लूकोज सिंपलर सुगर मतलब ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है फैट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और उसको हम ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं और प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये मेनली इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्प्शन कैसे करता है द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इंटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन अभी जो हमने फूड का देखा तो वो डाइजेस्ट तो हो गया है अभी क्या होगा वो पास होगा ब्लड वेसल में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन the inner wall of the small intestine have thousand of finger like outer growth there are called villi singular villus can you guess what the role of villi could be in the intestine आपको पता है कि ये विली है वो क्या रोल है उसका तो the villi increase the surface area of the for absorption of the digested food वो क्या करता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है बढ़ाता है जो हमने डाइजेस्ट फूड डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए Each villus has the network of thin and small blood vessel close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via and the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. This is called the assimilation. Humne jo bhi food we have अब वो क्या करता है विली है वो क्या करेगा कि उसको एब्जॉर्व करेगा देन वो जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल जो है वहाँ से लेके हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गेन है वहाँ पे वो, वो ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होता है उसको जैसे रिक्वायर्ड हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एसिमिलेशन आपने तो ये सुना होगा कि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रोटीन चाहिए विटामिन्स चाहिए तो उसके लिए जो भी हम खाना खाते तो डायरेक्टली वो नहीं मिल जाता है वो पहले डाइजेस्ट होता है देन वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द एनर्जी इज रिलीस्ड जो हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स लिया है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज से फिर क्या होता है वो ब्रेक डाउन होके ऑक्सीजन के हेल्प से वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है और फिर वो एनर्जी रिलीज़ करता है एनर्जी रिलीज़ करता है तभी तो आप हम हमारी बॉडी है वो वर्क कर सकती है अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा जब एनर्जी हमें ऐसा है कि कोई चक्कर आ रहा है ऐसे कुछ है तो क्या होता है कि उस टाइम पे हम ग्लूकोज़ लेते हैं क्यों ग्लूकोज़ लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज़ है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वैसे ही जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जैसे रोटी है चावल है तो ये सब जब हम खाते हैं तो, है, तो हमारी बॉडी में वो क्या होता है डाइजेस्ट होके जो ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट होता है देन वो ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देता है तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी

वो क्या करेगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है वो नाम तो है उसका लार्ज लेकिन वो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे शॉर्टर होता है मतलब छोटा होता है लेकिन वाइडर मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि वाइड होता है लेकिन जो उसकी जो, जो, जो शॉर्टर होता है और उसका जो मीटर होता है लेंथ होती है वो कम होती है तो वो कितनी होती है वन पॉइंट फाइव मीटर इट फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्व वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल वो क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्व करता है कुछ सॉल्ट है उसको एब्जॉर्व करता है और फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल जो फूड मटीरियल है उसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्व करता है द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इन टू रेक्टम एंड रिमेन देर एज सेमी सॉलिड फेसेस और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट तो नहीं होता है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन रोल क्या होता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वो शॉल्ट और वाटर को ऐब्जॉर्व कर लेता है और फिर ऐसे फूड को वो आगे जाने देता है कहाँ पे कि रेक्टम है वहाँ पे वो जाने देता है द फेल मैटर इज़ रिमोट थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम और ये सारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनम के थ्रू रिमूव होता है हमारे बॉडी में दिस इज कॉल्ड अ इजेशन और इसको हम क्या बोलते हैं इजेशन बोलते हैं इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल जो 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 एनिमल है जो ग्रास खाते हैं जैसे कि ये काव है बफेलो तो उनकी बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है ये तो हमने ये सब देख लिया लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन बकल कैविटी देन uh, हमारा स्टमक है तो ये सारी प्रोसेस तो हमने ह्यूमन बॉडी की तो देख ली अभी हम देखते हैं एनिमल हैव यू ऑब्जर्व काव बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन वैन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास आपने कभी देखा है कि जो ये काव होते बफेलो होते वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते हैं मतलब वो चबाते रहते हैं जब वो जो ग्रास होता है वो नहीं खाते उस टाइम पे भी वो चबाते रहे चबाते रहते हैं एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen। उनके अंदर ये बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रूमेन वो क्या करते हैं जब उनको खाना मिलता है तो वो बहुत सारा खाना एक साथ जो ग्रास मिलता है तो एक साथ वो खा तो लेते हैं लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर करते हैं अपने स्टमक में और वो उसको जो स्टोर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे रूमैन बोलेंगे हियर द फूड गैट्स Partially डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कड और वो क्या होता है जैसे कि उन्होंने स्टोर तो कर लिया फिर उनको जब खाना मतलब नहीं मिलता है तब वो ऐसे च्यू करके वो खाना है वो डाइजेस्ट होता है मतलब अलग अलग पार्ट में वो डाइजेस्ट होता है पहले खाना खा लिया तो थोड़ा तो डाइजेस्ट हो गया लेकिन उन्होंने जो स्टोर किया हुआ है rumen में तो उसको वो चबाते रहते हैं जैसे जैसे चबाते उसके बाद उसका डाइजेसन होता है और उसको हम बोलते हैं कड बट लेटर एंड कॉड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लर्म्स एंड एनिमल च्यूइट दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन और ये जो अब स्टोर करके उसके बाद उसको चबाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं रूमिनेशन एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेट्स और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रूमिनेट्स जो तो ऐसे स्टोर करके उसके बाद उसको चबा के देन वो डाइजेस्ट होता है तो उसको बोलते हैं रोमिनेट्स आपको पता चल गया वो स्टोर कहाँ पर करते हैं रूमैन में वो प्रोसेस किसको बोलते हैं हम ये जो प्रोसेस होती है स्टोर करने की उसको क्या बोलते हैं रूमिनेशन और ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे हम रूमिनेट्स और जो डाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कर्ड द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज जो ग्रास होता है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है तो बहुत सारे एनिमल्स है ह्यूमन भी है जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं हैव अ लार्ज लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन अब इसका स्ट्रक्चर पहले आप देख लो आप देख सकते हो यहाँ पे जो काऊ है उसके डाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाया है हमें यहाँ से वो ग्रास है वो खाते हैं देन यहाँ पे उसके स्टमक के पास रुमैन दिखाया है मतलब वहाँ पे वो खाना अपना है उसको स्टोर करते हैं तो ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स यहाँ पे वो स्टोर करते हैं देन वो चबाते हैं उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद है द सेलुलॉज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन जो एनिमल है जैसे कि ये काउ है वो ये ग्रास को डाइजेस्ट कैसे कर पाते हैं मैंने बताया कि इसके अंदर सेलुलोज होता है जो कोई कोई एनिमल होते और जो ह्यूमन होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो जो काउ है वो कैसे डाइजेस्ट कर पाते होंगे तो उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच पॉजिज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो हमने एनिमल के बारे में देख लिया कि काउ के बारे में आपने देख लिया कि वो ऐसे अपना डाइजेशन जो प्रोसेस है वो करते हैं ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं लेकिन ऐसे एनिमल आपने कभी देखे जिनका मुँह नहीं होता है मतलब माउथ नहीं होता है लेकिन उसके स्टिल उनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है तो ऐसे कौन सा एनिमल है तो फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग इन अमीबा ये तो नाम सुना होगा ना आपने अमीबा अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल फाउंड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर अमीबा जो होते हैं उनकी बॉडी में सिंगल सेल होता है सिंगल सेल मतलब हमारी जो बॉडी है एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है और इनकी जो बॉडी है वो सिंगुलर सेल होती क्यों क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इकट्ठा होकर एक पूरी हमारी बॉडी बनती है इनकी बॉडी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन सेल होता है एक ही सेल होता है इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल सेल और ये पॉन्ड वाटर जो ये तालाब होता है और फिर जो सी नदी होती है तो ऐसे पानी में वो रहते हैं अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स आपने सेल ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने पढ़ा होगा तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस भी होता है लेकिन जो सेल होता है वो सिंगुलर सेल होता है और बबल लाइक वैक्यूलस भी होता है इंटर साइटोप्लाजम अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स सेफ एंड पॉजिशन अमीबा जो होते हैं उनकी पोजीशन उनकी बॉडी की जो शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और इट पुशिस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पेस्यूपॉडिया और फॉल्स फीट फॉर मोमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले ये अपनी बॉडी जो है उसका शेप कैसे चेंज करती है तो देखो यहाँ पे आपको फूड पार्टिकल दिख रहा है तो जहाँ जहाँ पे उसको फूड पार्टिकल दिख दिखता है तो वहाँ वहाँ पे वो क्या करते हैं उस फूड के तरफ वो अपनी बॉडी को मूव करते हैं उस फूड को पहले घेर लेते हैं चारों तरफ से एंड देन वो अपनी बॉडी में वो जाने देते हैं तो ये क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे उसको फूड दिखाई देता है उस टाइप पे उस हिसाब से अपनी बॉडी है उसका शेप वो चेंज करता है तो उसके लिए हम कोई ये पर्टिकुलर शेप नहीं बता सकते कि अमीबा है वो ऐसे शेप का हो सकता है उसका कोई भी शेप हो सकता है राउंड हो सकता है ओवल हो सकता है देन यहाँ पे आप देख सकते हो अप्स एंड डाउन दिख रहा है उसकी बॉडी में तो ये सारे अलग अलग उसके बॉडी के शेप है और वो अपने बॉडी के शेप को एक तरह से नहीं रखता है वो मतलब कंटिन्यूसली वो चेंज करता रहता है जैसे उसको फूड दिखाई देते हैं देन वो अपने बॉडी का शेप है वो चेंज करता रहता है अभी यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस है पेस्यूपॉडियम है फूड पार्टिकल्स देन फूड वेकल उसके बाद है इजेस्टेड वेस्ट यहाँ से वो वेस्ट निकल रहा है तो उसकी बॉडी में जो ये शेल के नाम दिए हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है एट्थ स्टैंडर्ड में वो सेल है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में हमें सिर्फ़ और सिर्फ अमीबा के डाइजेशन की प्रोसेस देखनी है अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड इट पोशिश आउट पैसिपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड ईगोल फिट फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन टू फूड वेकल जो उनकी बॉडी में डाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो फूड जूस है तो वो डाइजेस्टिव जूस है वो कौन सेक्रेट करता है फूड वैक्यूल और इसके बाद वो डाइजेस्ट होता है दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इं टू सिंपल सब्सटेंस फूड वेकल है वो क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ वो क्या करते हैं जो एब्जॉर्ब कर लिया है उसने फूड वो हेल्प करता है उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसके मेंटेनेंस उसका जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए और और भी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हेल्प करता है द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सप्लेड आउटसाइड बाईट द वैक्यूल अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आप देख सकते हो इजेस्टेड वेस्ट था वहाँ से वो बाहर आता है मतलब आउटसाइड बाइट द वैक्यूल से वो बाहर आता है द बेजिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल अभी ये जो प्रोसेस है डाइजेशन की कि फूड वो डाइजेस्ट करते हैं अब जो उसके बाद वो क्या होता है कि वो फूड है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो रिलीज़ करता है एनर्जी रिलीज़ करता है और बॉडी को एनर्जी देता है तो ये सारे एनिमल में सेम होता है इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ़ फूड एब्जॉर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ़ द बॉडी अभी हमने इसी चैप्टर में तो देख ही लिया है कि वो जो इंटेस्टाइन है वहाँ से लेके हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है देन वो हमारे अलग अलग जो वेरियस पार्ट है बॉडी के वहाँ पे वो जाता है तो इस चैप्टर में हमने देख लिया है एनिमल्स के बारे में मतलब एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में